तो समय बताएगा ना, हम किसी के टीका टिप्पणी पर क्यों रिएक्ट करें, प्रतिक्रिया दें। अब तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहें कि नहीं विपक्ष बहुत मजबूत हो रहा है, हम नीतीश जी को बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, ये आप एक्सपेक्ट करते हैं क्या? आरसीपी सिंह का क्या है इस पार्टी में? आरसीपी सिंह का क्या था? जस्ट बिकॉज ही वॉज हैविंग एन ऑर्गेनाइजेशन, ही वॉज अ लीडर, ही इज नॉट अ मास लीडर। एंड हरिवंश बाबू इज ऑल्सो नॉट अ मास लीडर। हरिवंश जी इज अ मास लीडर, ही इज नॉट ऑल्सो अ मास लीडर। ही वॉज अ जर्नलिस्ट, ही हैज बीन नॉमिनेटेड बाई पार्टी लीडर नीतीश जी ट्वाइस। ठीक है, ही इज इन अ पोजिशन, रखते हैं और अपनी बात को उनके बीच कैसे प्रस्तुत करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये है सर, 12 जून को आप लोग की महाबैठक होने वाली है, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आने वाली है, बीजेपी इस पर कई सारे सवाल उठा रही है। एक और सवाल है कि हरिवंश जी पर जिस तरह से आप लोग लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उनका कहना है कि अपना कुनबा खाली हो रहा है। आरसीपी सिंह की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, पहले के दौर में देखें तो प्रभुनाथ सिंह जैसे नेता जो हैं धीरे धीरे जेडीयू से किनारा करते गए, तो नहीं लग रहा है कि विपक्षी एकता की मुहिम पर थोड़ा फर्क पड़ेगा? अब तो ये समय बताएगा ना, हम किसी के टीका टिप्पणी पर क्यों रिएक्ट करें, प्रतिक्रिया दें। अब तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहें कि नहीं विपक्ष बहुत मजबूत हो रहा है, हम नीतीश जी को बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, ये आप एक्सपेक्ट करते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी से तो यही ना एक्सपेक्ट करिएगा, इनका कुनबा खाली हो रहा है। आरसीपी सिंह का क्या है इस पार्टी में? आरसीपी सिंह का क्या था? जस्ट बिकॉज ही वॉज हैविंग एन ऑर्गेनाइजेशन, ही वॉज अ लीडर, ही इज़ नॉट अ मास लीडर, दैट ही इज गोइंग टू इफेक्ट द होल पार्टी। And Harivansh Babu is also not a mass leader. Harivansh ji is a mass leader. He is not also a mass leader. He was a journalist. He has been nominated by party leader Nitish ji twice. ठीक है, he is in a position. So what is going to affect the Bihar JDU politics? सर, 12 जून को एक्चुअली की बैठक होनी है, उसके बाद प्रधानमंत्री भी बिहार आ रहे हैं, क्योंकि 9 साल पूरा होने पर जिस तरह कार्यक्रम हो रहे हैं प्रधानमंत्री भी बिहार आएंगे, तो क्या लगता है कि असर पड़ेगा बिहार में भी? हर कोई राजनीतिक दल अपने तरीके से चुनाव में और चुनाव की तैयारी के लिए प्रयास करता है, मोदी जी भी प्रयास कर रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।